तो यहाँ पे हमारे पास कैनन 60 मार्क टू है और इसके साथ ये 50mm का लेंस है जो कि सबसे बेसिक लेंस होता है, जो नॉर्मल जो लेंस होता है वो भी मैंने ले रखा है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए ये 50mm लेंस है। इसमें ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का स्लाइडर दिया हुआ है, आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। और ये कैमरॉन का 77mm का फिल्टर है, तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, जिसको साइड में रखते हैं। तो फाइनली अब जाके हम अपना कैनन 60 मार्क टू की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर कैनन लिखा हुआ है EOS 60 Mark II, और इसके ऊपर ये फ्रंट साइड पे कैमरा की पिक्चर छपी हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ डिटेल्स दी हुई है आपको, 26 मेगापिक्सल ISO दे रखा है और फ्रेम्स, ऑटो फोकस, वाइड एंगल, NFC और GPS दे रखा है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं इसकी, और सेम वही कैमरा की फ़ोटो है। और ये वाईफाई सर्टिफाइड है, ब्लूटूथ है, HDMI कनेक्टिविटी है, और यहाँ पे कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के देख सकते हैं इस साइड, और यहाँ पे कुछ और कंटेंट दिया हुआ है और अलग अलग लैंग्वेजेस में, डिजिटल जूम है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो ये हमारा कैमरा है, और इस कैमरे को हम निकाल के साइड में रख देते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या है। बॉक्स के अंदर ये आपको यूज़र मैनुअल मिलेगा, इसके अंदर आपको जो कैमरा की डिटेल्स हैं कि आपको कैसे लेंस फिट करना है वगैरह वगैरह चीज़ें दी हुई हैं। और ये हमारा जो लेंस है, तो ये हमारा कैमरा है और ये हमारा लेंस। तो आइए कैमरे की अनबॉक्सिंग करते हैं। सो फाइनली ये रहा हमारा कैनन EOS 60 मार्क टू। इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी है, और जो फीचर्स हैं वो सिमिलर हैं कैनन डिज़ाइंस की तरह। तो आइए इसके फीचर्स के बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ क्लोज़अप में। ये जो है हमारी स्क्रीन है, आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, और इसे आप कैसे भी रोटेट कर सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है ये वीडियो शूटिंग के लिए। सो इसकी स्क्रीन को आप कैसे भी रोटेट कर सकते हैं, आप इसे रोटेट करके और जहाँ पे जो प्लेस है वहाँ पे स्क्रीन पे प्लेस भी कर सकते हैं। ये वीडियो शूटिंग के लिए काफ़ी प्रॉफिट देता है आपको,
आप इजीली शूट कर सकते हैं। यहाँ पे पावर बटन है और ये कुछ मोड्स दिए हुए हैं। ये मोड्स हैं सारे, इसके अंदर आपको ये देखिए, ये मैनुअल मोड, एवी मोड, ये टीवी मोड, ये प्रोग्राम, ऑटोमेटिक, सीए, एससीएन, C2 और C1 मोड। सो बेसिकली जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो मैनुअल मोड यूज़ करते हैं क्योंकि उनको मैनुअल डिटेल्सिंग मिल जाती है और अपने हिसाब से वो चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर, लाइट, शटर स्पीड और सब चेंज सकते हैं वो। जो कि मैनुअल मोड होता है वो बैकग्राउंड और लाइटिंग के हिसाब से ऑटोमेटिक मैनुअल जो होती है उनकी प्रोग्रामिंग उनको ज़्यादा देते हैं। अगर आप नए हैं, आपको कैमरा नहीं आता चलाना, तो आप इसे ऑटोमेटिक मोड पे यूज़ कर सकते हैं और ऑटोमेटिक मोड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं तो आप मैनुअल मोड यूज़ करिए। यहाँ से मोड दिए हुए हैं, आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। बस इतना ही, और इसकी डिटेल फंक्शंस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं और अपने लेंस की अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि लेंस कैसा है हमारा। तो ये हमारी बैटरी चार्ज करने की वायर, ये हमारी बैटरी है जो कि अडैप्टर कहते हैं, इसमें आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं और ये हमारी बैटरी है जो कि हमारे कैमरा में डलेगी। इस पर कुछ डिटेल्स हैं, कितने वोल्टेज की है, इसको भी साइड में रखते हैं। और ये रहा हमारा लेंस जिसकी कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा है और बेसिकली लेंस की वजह से ही फोटोग्राफ्स अच्छी आती हैं और कैमरा का सबसे मेन एलिमेंट हमारा लेंस ही होता है। काफ़ी हैवी वेट है इसका, यहाँ कैनन लिखा हुआ है। यहाँ पे दिए हुए हैं कितने mm का लेंस है और यहाँ पे अपर्चर दिया हुआ है। सो इसका कैप हटाते हैं और ये रहा हमारा लेंस। यहाँ पे मार्किंग्स दी हुई हैं लेंस पे, ये यहाँ से ढक्कन खुलेगा, बैटरी डलेगी यहाँ पे, इसके अंदर आप अपनी बैटरी प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमने बैटरी डाला, ये आप एरो का निशान है, ये इसके अंदर यूँ प्लेस किया और लॉक लग जाता है और इस कैप को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद इसे ऑन करेंगे हम, इसे स्क्रीन में आप रोटेट कर सकते हैं और यहाँ पे ऑन कर दें। तो आपको लेंस प्लेस करना होगा, लेंस के बिना ये ओपन नहीं हुआ क्योंकि वो कुछ एरर दिखाता है। तो मैं लेंस प्लेस करूँगा इसके ऊपर। तो लेंस प्लेस करने के लिए आप इसे रोटेट करके इसका कैप हटाइए और ये जो 50 mm का लेंस है पहले मैं ये लगाऊंगा, फिर इसके बाद जो हमारा लेंस है मेन वो लगाऊंगा। ये रेड से रेड मिला के और इसे रोटेट करेंगे तो आपका लेंस फिक्स हो चुका है इसके अंदर। सो आइए इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं थोड़ा। और ये जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन है
ये देखिए आप, ये टच काम करता है इसमें स्क्रीन पे। सो ये एक कैनन में नया अच्छा काफ़ी बढ़िया फीचर है, अगर आप फोटोग्राफर हैं तो फीचर है लॉक का। तो इस लॉक का फीचर ये है कि आप अगर कोई ISO में पर सेट करते हैं, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे मैं इसे अभी मैंने इसे ये फंक्शंस काम कर रहे हैं क्योंकि ये लॉक नहीं है। अभी जैसे ही मैंने इसे लॉक किया इसके फंक्शंस काम नहीं करेंगे। देखिए मैंने अपर्चर अभी ISO सेट कर रखा है 1250 का। सो जैसे ही मैं इसे लॉक कर दूंगा तो ये ISO काम नहीं करेगा और जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। देखिए कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, लॉक दिखा रहा है। सो जैसे ही इसे हम लॉक अनलॉक करेंगे तो सब काम करेगा, और ये सिर्फ अपर्चर और फोकस के लिए है। सो गाइस ये मैंने अपना 105mm लेंस लगा लिया है और ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा कैमरा है व्लॉगिंग के हिसाब से भी और फोटोग्राफी के हिसाब से भी। सो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप कैमरा लेने की सोच रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन कैमरा है। और तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल टेक्नोटो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Let's go.